सत श्री अकाल साथियों, सारयां नूं मैं गुरदीप सिंह कृषि भगत तो पेस्टिसाइड फ्री कोटन के खड़े हैं। तो फिर भी पेस्टिसाइड की सलाह दे रहे हैं क्योंकि फार्मरस काफ़ी पेस्टिसाइड की ओर जा रहे हैं तो वो स्प्रेइंग कर रहे हैं। यह जी चार पेस्टिसाइड दस रहे हैं जी। पेस्टिसाइड के आप NPK या दलाल गोल का यूज कर सकते हैं। पोलो नाम का एक ब्रांड आता है, उलाला नाम का ब्रांड आता है, ओसीन नाम का ब्रांड आता है, लैनो नाम का ब्रांड आता है। इन चार ब्रांडा के आप है खुराक वाली स्प्रे पा सकते हैं कोई भी। CICR के वलों यह डॉक्टर ECG द्वारा रिकमेंडेशन की गई है। उत्थे साडा ट्रेनिंग प्रोग्राम जिहड़ा सी चलिया उत्थों सी सिख्या बहुत कुछ। CICR सिरसा दे उत्तों जिहड़ा सब तो वड्डा अपने एरिए का सेंटर है कोटन का, रिसर्च उत्थे हुंदी है कोटन दे उत्ते। तो उत्थे आह चीज़ें सानूं दस्सियां गईआं जिहड़ी थोनों सी मैं इनफॉर्मेशन पहुँचा रहा हैं। उस तों बाद साथी दसां मांसाहारी प्रकार 206 कीट है मांसाहारी, तो शाकाहारी 45 कीट है। 45 कीटां दी ओर तां अपना शाकाहारी दी ओर ध्यान ही नहीं। शाकाहारी कीट जिहड़े आपां नूं 4-5 मेन समस्या का सामना करना पै रहा है। 4-5 कीट ही अपने नुकसान पर पहुँचा रहे हैं। क्यों पहुँचा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने वास्ते जहर बनया होया है। जहर आप पा रहे हैं तो बीमारी आप बढ़ा रहे हैं। कोई डस्की कोटन बग जिहड़ा अपने भूरा मुतकण जिन्हों बोलिया जाता, उस वास्ते तो किसी ने जहर नहीं बनाया क्योंकि उस दे विच मार्केट का फायदा है। जिहड़ा अपने ब्लैक रंग की जीव जा जाता उत्ते शुरू तो लैके लास्ट तक रहिंदा है। भी जदों ही वो उत्ते अपने स्टार्टिंग दे विच आ जाता, फार्मर कहिंदे आ कि तिकड़े अपने रेट वधूगा, तां करके वह आपां नूं नुकसान पहुँचाते हैं। तो आप उन्हां वास्ते कोई जहर किसी ने सुनिया अज तिकड़? आपां तां जहर सुनिया नहीं भी। इस जहर नाल इह कंट्रोल हुंदा। तां साथियों इन्हां दे गणित नूं समझण वाली आपां नूं समझना पऊगा, गणित नूं फिर ही आपां कामयाब होवांगे। नहीं तां कामयाबी दी राह इहदी होर आपां जा नहीं सकदे। पेस्टिसाइड फ्री रखो कोटन नूं, एक एक 2-2 बीघा ट्रायल करके देखो। आपां तां काफ़ी एरिए दे विच ट्रायल कर रखे, विलेज दे विच भी ट्रायल हो रहे हैं। तो अगे ट्रायलों का की रिजल्ट आता है? रिजल्ट 100% सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं काफ़ी 2 सालों तो देख रहा पिछे बिना पेस्टिसाइड तो खेती हो रही है। 2 सालों तो मैं टच दे विच काशी राम जी वास्ते, काशी के वास्ते बानी राम जी बांबू नाल, उन्हां नाल वीडियो करके तुहानूं जरूर रूबरू करावांगे ते उह सारा कुछ आपां नूं दस्सणगे। उह कहिंदे जिहड़ा वी कीट आउंदा उह आपां नूं फायदा पहुँचा के जांदा, टाइम के अनुसार कीट आ जांदा ते टाइम के अनुसार चले जांदा। पहली बार इस बिच थ्रिप्स आई, थ्रिप्स अपना आपका काम करके चली गई, वाष्पीकरण उन्हें रोकया, पत्तिया इस तरीके कड़ता तो वाष्पीकरण रुकया क्योंकि सीधी ये उत्ते रोशनी नहीं पी तो वाष्पीकरण नाल पानी नहीं उड्या। पत्ते एवें करते, पत्ता एवें करते देख लें कि अपना तो नुकसान हो रहा है, तो स्प्रेइंग करो तो फिर आप नुकसान कर लें। हुण आ पेस्टिसाइड फ्री कोटन है, मैनू तो कितने भी ये पत्ता मुड़िया हुआ बिल्कुल भी नहीं देख रहा। तो जिन्होंने स्प्रेइंग कर रखी है तुसीं जाके गौर कर लियो, पत्ते मुड़े हुए दिखणगे क्योंकि अटैक उत्थे आपदे आप बढ़ जांदा है। तो साथियों इन्नी एक बेनती सी मेरी, तो अगे तो अगे जरूर इस वीडियो नूं शेयर करियो। धन्यवाद सारयां दा। जिहड़ी भी फेसबुक ते वीडियो पा रहा मैं डॉक्टर दलाल पद्धतियां, उन्हां नूं गौर नाल देखो ते गौर नाल देख के अपने कोटन नूं सुधारो, आपदे क्रॉप प्रैक्टिस नूं सुधारो, जहर दीआं स्प्रेआं ना करके अपने खुराक दे वल जाओ। धन्यवाद सारयां।